जय श्री कृष्ण, मैं ओम यादव, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से निकल कर आ रही है, जहां पर मंजीत यादव नाम के एक शख्स से गुंडों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर बीजेपी के समर्थक और योगी आदित्यनाथ के समर्थक योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। लेकिन ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पिछले एक हफ्ते के दौरान, या यूं कहूँ कि पिछले एक महीने के दौरान, ऐसी कई सारी घटनाएं घटित हुई हैं जो योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था के धज्जियां उड़ाती हुई नजर आती हैं। आप सभी लोगों को याद होगा, कुछ ही हफ्तों के पहले मनीष गुप्ता नाम के एक शख्स की इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गोरखपुर के अंदर, जो योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद आता है, वहां पर गोलियों से मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद हमने देखा, कुछ ही हफ्ते पहले हमने देखा किस प्रकार से लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों का नरसंहार बीजेपी के नेता के बेटे ने किया था। उसके बाद हमने देखा कानपुर के अंदर किस प्रकार से संजीत यादव को सरेआम फिल्मी स्टाइल से गुंडे मारकर चले गए थे। और अब मंजीत यादव की अयोध्या के अंदर, भगवान राम की नगरी अयोध्या के अंदर, जहां पर दुर्गा पूजा का पंडाल लगा हुआ था, वहां पर सरेआम गुंडे गाड़ी से भरकर आते हैं और मंजीत यादव समेत उसके दो बच्चों की गोलियों से मारकर हत्या कर देते हैं। मंजीत यादव की मौके पर ही मौत हो जाती है। उनकी दोनों बेटियों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। लेकिन इतनी बड़ी घटना घटित हो जाने के बावजूद इस राज्य के अंदर इस दलाल मीडिया की नज़रों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जंगल राज कहने की हिम्मत नज़र नहीं आती है। जबकि यह वही उत्तर प्रदेश है जब अखिलेश यादव की सरकार में छोटी से छोटी घटना हो जाती थी तो इस देश की दलाल मीडिया उत्तर प्रदेश की सरकार को जंगल राज कहने से ज़रा भी संकोच नहीं करती थी। छोटी से छोटी घटना हो जाने के बाद तमाम मीडिया चैनल्स की हेडलाइंस पे उत्तर प्रदेश में जंगल राज, उत्तर प्रदेश में यादववाद, तमाम देश के बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं, अखबार से, उन सब में उत्तर प्रदेश में जंगल राज जैसी हेडलाइंस छा जाती थी। लेकिन इतनी सारी घटनाएं हो जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कानून व्यवस्था की डींगे हाँकते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी यादव की इस प्रकार से हत्या हुई हो। ऐसी तमाम वीडियोस मैं आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता हूँ जिसमें यादवों की हत्याओं की बातें मैं आप लोगों से करता हूँ। यदि आप मेरी सारी वीडियोस को देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर कितने यादवों की हत्याएं हो चुकी हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत बार देखता हूँ, कमेंट के अंदर यादव समाज के लोग कमेंट करते हैं और वो लोग ये बात कहते हैं कि जब इस तरह कोई घटना आती है तो वो लोग एक ही बात कहते हैं कि पूर्वांचल के यादवों को क्या हो गया है, ये सारे के सारे पूर्वांचल के यादव हैं। वो लोग क्षेत्रवाद करने का काम करते हैं, यादवों को क्षेत्र में बांटने की कोशिश करते हैं। मैं कभी भी यादवों को क्षेत्र में बांटने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में पूरे देश के यादव, मेरे समाज के यादव भाई हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश से होंगे, जो शायद हरियाणा से होंगे, जो शायद राजस्थान से होंगे, वो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यादवों को टारगेट करते हैं। लेकिन मैं उन सारे लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ, खासतौर पर उन यादवों को जो उत्तर प्रदेश के दूसरे भाग से संबंध रखते हैं, मेरे भाई आप लोग इस तरह की बातें मत कीजिए, क्योंकि ये हालात सिर्फ पूर्वांचल में नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में है। पूरे उत्तर प्रदेश में यादवों की हत्याएं योगी सरकार के राज में हो रही हैं। हालांकि पूर्वांचल में तो यादवों की हत्याएं हो ही नहीं रही है। कुछ यादवों की हत्याओं की लिस्ट जो मैं आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से मैं ये आप लोगों को बता दूँ कि जितने भी यादवों की हत्याएं हुई हैं वो सब पूर्वांचल के बाहर के राज्यों में हुई हैं। यादव समाज में सबसे बड़ा मुद्दा जिसकी हत्या पर बना था वो थे पुष्पेंद्र यादव, जिसकी पुण्यतिथि आज भी यादव समाज के लोग सोशल मीडिया पर मनाते हुए नजर आते हैं। आप जानते हैं पुष्पेंद्र यादव कहाँ के थे? पुष्पेंद्र यादव उत्तर प्रदेश के झांसी से थे, जो कि पूर्वांचल में नहीं आता है। दूसरा जो एक एनकाउंटर जिम ट्रेनर का हुआ था, जो नोएडा के जिम ट्रेनर थे जिनका नाम जितेंद्र यादव था, उनकी एनकाउंटर की गई थी, उनका एनकाउंटर किया था योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी कि उसमें वो बच गए थे। आप जानते हैं वो कहाँ के थे? वो नोएडा के थे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, पूर्वांचल में नहीं आता है। इसके बाद दरवेश यादव कानपुर की थी, उसके बाद ये मंजीत यादव, ये अयोध्या के हैं। तो इनमें से कोई भी जो हत्या है, कोई भी हत्या पूर्वांचल से संबंध नहीं रखती है। तो इसीलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि बार बार आप लोग यादवों को क्षेत्र में बांटने की कोशिश मत कीजिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए। आप लोग ये समझते होंगे कि हम तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे यहाँ पर यादवों की हत्याएं नहीं हो रही हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसको समझ के आप अपने आप को बहुत बड़ा पावरफुल समझने की गलतफहमी मत रखिए।
समस्त उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की हत्याएं यादवों के साथ हो रही हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार यादवों को नहीं बांटती है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का यादव हो, चाहे वो पूर्वांचल का यादव हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का यादव हो, उसकी नज़र में यादव यादव है। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार यादवों को चुन चुन कर मरवाने का काम कर रही है, या तो खुद एनकाउंटर के नाम पर मार रही है, या तो गुंडे यादवों को मार रहे हैं और पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश नहीं कर रही है। मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।